वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं साउंडकोर लाइफ Q10 वायरलेस हेडफोन का। इसे जो है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 2999 के प्राइस पॉइंट पे, और फिलहाल इसे कंटिन्यूसली 3 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। इन 3 दिनों में इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उसे मैंने कर लिए हैं नोट डाउन, जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ में करूंगा शेयर। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से इस चैनल को आगे ले जाने में मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इस हेडफोन का जो है मैंने एक सेपरेट अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको वो अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स और इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे कंपनी ने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर वेरिएंट में मार्केट में लॉन्च किया है, वो आ जाता है आपका ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको जो है ना 2 कलर टोन में मिलेगा। ऊपर की साइड से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हेडफोन जो है आपको मैट ब्लैक कलर का कोटिंग की गई है, जो कि काफी सटल लुक इसको प्रोवाइड कराता है। नीचे की साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर का कोटिंग किया गया है, जो कि इसको काफी अट्रैक्टिव लुक आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन वाइज ये काफी ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की दोस्तों, तो ये जो डिज़ाइन है इसका, ये आपका टिपिकल ओवर द हेड और ओवर द ईयर वाला, ऑन द ईयर नहीं, ओवर द ईयर वाला आपका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साथ में इसके दोनों के दोनों ईयर कप्स के ऊपर में आपको दोनों ईयर कप्स में साउंड कोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो हेडफोन है ये टोटली आपका जो है फोल्डेबल हेडफोन आ जाता है। इसको आप इजिली जो है वो फोल्ड करके कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, कैरी करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। बट यहाँ पे साउंड कोर ने आपको कोई जो है ना कैरी पाउच या पाउच वगैरह इसको दिया नहीं है कैरी करने के लिए, वो एक चीज देखने वाली बात आ जाती है। बट लुक वाइज और डिजाइन वाइज वाकई में मुझे काफी ज्यादा ये पसंद आया है। अब चलिए बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके हेडबैंड की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये टोटली आपको जो है प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। नीचे एक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपका हल्का सा थोड़ा बहुत जो है वो कशनिंग का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे मुझे फील करा रहा है। वहीं पे इसके अगर मैं ईयर कप्स की बात करूँ तो आगे एक साइड से, बाहर की साइड से ये भी जो है आपको टोटली प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोनों के दोनों ईयर कप्स। यहाँ पे जो कलर कोटिंग करी गई वो हल्का सा आपको ऐसा लगा कि मेटालिक फिनिश आपको देने का कोशिश किया गया, बट ये है टोटली आपका प्लास्टिक। वहीं पे इनके दोनों के दोनों जो ईयर कप्स हैं, ये इसके ऊपर में जो पैडिंग करी गई है ये किसी टाइप का लेदरेटिक जो फैब्रिक आता है, पीयू लेदर टाइप का आता है, वो आपका इसके ऊपर में यूज किया गया, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में ये काफ़ी सॉफ्ट जो है वो पैडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पैडिंग है, बहुत ही मतलब अच्छा लगा यहाँ पे मुझे कि पैडिंग बहुत सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ईयर कप्स के ऊपर में दोनों साइड जो है आपको राइट और लेफ्ट का मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में ये जो है टोटली आपका प्लास्टिक का यूज किया गया, बट यहाँ पे साउंडकोर एक जो है वो प्रीमियम ब्रांड है, उसी टाइप का प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। कहीं से भी दिखने में आपको कहीं से भी दिखने में जो है ऐसा नहीं लगेगा कि आप 3000 रुपये का जो है एक हेडफोन यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी जो है वो देखने में लगता है। वहीं पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसका जो हेडबैंड है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है अपने हेड के फेस के साइज़ के अकॉर्डिंगली राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ को जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो बजट रेंज के हेडफोन्स आते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि जब आप एक्सटेंड करते हैं तो नीचे एक साइड से प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया जाता है, बट इसके अंदर में आपको टोटली ये जो है वो मेटल का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी जो है आपको स्ट्रॉन्ग यहां पे देखने को मिल जाता है कि ये जल्दी आपका क्रैक नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्रीमियम टाइप के लगता है, 3000 का हेडफोन जैसा आपको यहां पे नहीं लगता। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट और इसके फील की दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसे जो है कंटिन्यूसली मैंने 3-3.5 घंटे भी कंटिन्यूसली यूज किया है, और मेरे यूजेज में मुझे जो है ऐसा लगा है कि आप अगर इसको
एक से डेढ़ घंटे, डेढ़ या पौने दो घंटे तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दो घंटे से ऊपर जाते हैं, तीन घंटे साढ़े तीन घंटे तक कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि आपको अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि ये हल्का सा जो है हैवियर साइड में है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है कंटिन्यूसली यूजेज में हल्का सा आपको कंफर्ट में जो है वो दिक्कत प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पे कंफर्ट वाइज तो ऐसा ही है। साथ में अगर ये आपके ईयर जो है उस पर अच्छी तरीके से सेट बैठ जाता है एक बार, जो कि मेरे केस में मेरे टेस्टिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से सेट बैठा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हद तक जो है ये आपके बाहर के जो नॉइज़ होते हैं उसको आपका ब्लॉक कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो है हेडफोन यूज़ किया हुआ है उसको ऑन करके, बट यहाँ पे उसमें ये फीचर नहीं है, बट फिर भी काफ़ी हद तक बाहर का नॉइज़ जो है वो ये ब्लॉक करता है। तो आपका जो कंफर्ट है और फील जो है मुझे तो ठीक ठाक लगा है। शॉर्ट पीरियड के लिए डेढ़ या पौने दो घंटे तक का आप यूज करते हैं तो यहाँ पे कंफर्ट वाइज भी मुझे ठीक ही लग रहा है इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बेस्ट फीचर का, वो आ जाता है इसका बैटरी डिपार्टमेंट, बैटरी की लाइफ। अब कंपनी का ये कहना है कि इसको जो है आप कंटिन्यूसली 60 आवर तक का ये आपको प्लेबैक टाइम देगा। इसके अंदर में आपको 680 mAh की बैटरी का यूज किया गया है। अब कंपनी की जो टेस्टिंग होती है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है और कंपनी 50% या 60% वॉल्यूम लेवल पे टेस्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे टेस्टिंग के अंदर में मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसको 85% to 90% वॉल्यूम लेवल पे यूज किया है, और इतने परसेंट वॉल्यूम लेवल पे मैंने इसको यूज किया और यूज करते करते मैं पक गया, सच में मैं बोर हो गया। लेकिन इसका जो बैटरी लाइफ है वो चलता ही रहा, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सच में तो मैंने पिछले 3 दिनों में रात के वक्त में कंटिन्यूसली मैंने 3 हॉलीवुड मूवी और 1 बॉलीवुड का मूवी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे के आसपास का था वो देख डाली है। साथ में 3 दिनों के अंदर में मैंने इसके ऊपर में 12 से 13 घंटे के आसपास का जो है वो मैंने म्यूजिक भी इसके ऊपर में सुन दिया। तो तकरीबन ये आपका जो है वो 23 आवर्स का जो है वो प्ले टाइम मैंने इसका मतलब टोटल यूज किया, पूरा 60 घंटे इतना टाइम नहीं रहता दोस्तों आजकल की बिजी लाइफ में, तो इतने टाइम तो मैंने यूज किया है, 23 आवर्स तो है मेरे नोटिस में। इस 23 आवर्स के यूज के बाद भी इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो 55% मुझे दिखा रहा था, 85% to 90% वॉल्यूम लेवल पे, यानी कि आपका जो है मुझे लगता है कि मेरी यूजेस के अकॉर्डिंगली ये आपको जो है 46-47 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा 85% to 90% वॉल्यूम लेवल पे। 60% के ऊपर में 65-70 पे मे भी शायद ये सच में आपको 60 आवर्स का प्ले टाइम दे दे। तो बैटरी डिपार्टमेंट वाइज ये वाकई में जो है विनर है। साथ में कंपनी इसको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देता है, यानी कि 5 मिनट इसको चार्ज करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स का जो है वो प्ले टाइम आपको देखने को मिल जाता है। और कंपनी का ये कहना है कि आपका 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। अब मैंने बैटरी ख़त्म ही नहीं हुई तो चार्ज कहाँ से करूँगा, बट 2 घंटे बोला है कंपनी ने तो शायद 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता होगा। तो बैटरी डिपार्टमेंट वाइज बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स के, तो इसका जो टोटल सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इसके राइट वाला जो ईयर कप है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक जो है बेस अप का बटन देखने को मिलेगा, साथ में वॉल्यूम को प्लस माइनस करने का बटन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको पावर ऑन ऑफ का मिल जाएगा, साथ में एक LED इंडिकेटर मिलेगा, एक ऑक्स पोर्ट मिल जाएगा 3.5 mm का जो जैक है ऑक्स पोर्ट है उसका, साथ में आपको USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और एक आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा जिसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कंपनी ने इसके यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है। ठीक ठाक यहाँ पे वैसा ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब आप बात करते हैं इसके जो है वो आपके कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया है जिसका मेरी टेस्टिंग के अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा। इसने तकरीबन 30 मीटर तक का विदाउट डिस्टर्बेंस, यानी कि आपका जो स्मार्टफोन है और आपके हेडफोन के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो ये 30 मीटर तक का आपको रेंज प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर कोई डिस्टर्बेंस है कंक्रीट की वॉल या दरवाजे खिड़की कुछ भी है तो तकरीबन 12 मीटर तक का इसने जो है वो मतलब विदाउट डिस्टर्ब कोई भी कनेक्शन लूज किए इसने जो है वो रेंज प्रोवाइड करा है। उसके बाद में ये कट ऑफ होना चालू हो गया, तो कनेक्टिविटी डिवाइस काफी अच्छा है। साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट और इसके अंदर में मिल जाता है वो ये कि इस डिवाइस को इस हेडफोन को जो है आप 2 अलग अलग डिवाइस के साथ में एक ही साथ में आप पेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 स्मार्टफोन है दोनों स्मार्टफोन के साथ में इसको एक ही बार एक ही टाइम में जो है वो पेयर करके यूज कर सकते हैं। एक पे आप अगर मूवी वगैरह देख रहे हैं
और तभी दूसरे स्मार्टफोन पे किसी का कॉल आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है दूसरे स्मार्टफोन पे और आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट और इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे यहाँ पे किसी भी टाइप का वाटर सर्टिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल जाता इसके अंदर में। ज़्यादातर केसेस में हेडफोन्स के अंदर में वाटर सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, वैसा ही इसके अंदर में भी है, आपको वाटर सर्टिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में, वो ये कि इसका ऑडियो की परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताऊं कि भाई इसके अंदर में कंपनी ने जो है 40 mm का जो है वो डायनेमिक ड्राइवर का यूज किया है और साथ में ये SBC और आपका जो है AAC ऑडियो कोडेक को भी जो है वो सपोर्ट करता है। अब एक ही चीज बताऊंगा मैं आपको, अगर आप बेस हेड टाइप के बंदे हैं तो दोस्तों ये हेडफोन सिर्फ आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बेस हेड टाइप के जो बंदे हैं उनकी तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। कंपनी ने यहाँ पे आपको एक जो है बेस अप का टेक्नोलॉजी है, कोई DSP पता नहीं किस टाइप का है, नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसका जो है इसके अंदर में यूज किया है, जिसकी वजह से इसका जो बेस डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सच में बताऊँ तो यहाँ पे जब मैं उसको यूज कर रहा था बेस आपको जो है ऑन करके, तो यहाँ पे जो इसका थंप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। साथ में ये फिजिकली आपको जो है ना आपके ईयर पे फील कराएगा कि ये वाइब्रेट हो रहा है, मतलब इस टाइप का बेस है कि आपको वाइब्रेशन पूरी तरीके से फील होगा अपने कानों के ऊपर में। बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी टाइप का जो है वो बेस यूज किया गया है आपके बेस अप वाले मोड के अंदर में। वहीं पे जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे इसको यूज करते हैं तो बेस अप वाले मोड में मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो वोकल्स और ट्रिबल्स है या फिर बात कर लीजिए मिड्स और हाइज है उसमें हल्का फुल्का ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दिया है बेस अप वाले मोड के अंदर में। अदरवाइज नॉर्मल जो मोड है, नॉर्मल मोड में मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा कंट्रोल्ड और बैलेंस बेस इसका देखने को मिला। वैसे नॉर्मल वाले मोड में भी बेस जो है वो अच्छा है यहाँ पे और थम्पी सा आपको लगेगा, लेकिन नॉर्मल वाले मोड में अदर जो सेगमेंट है जैसे कि इसका वोकल्स और ट्रिबल्स है, इसकी जो सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है नॉर्मल वाले मोड में। वहीं पे मिड्स और हाइस फ्रिक्वेंसीज के जो ये होते हैं उनको वो भी जो है काफ़ी आपको जो है वो बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो मुझे स्पेशली नॉर्मल वाला जो मोड है वो ज़्यादा पसंद आया, बट जो बेस हेड टाइप के जो बंदे हैं उनको तो जो है वो बेस अप वाला जो मोड है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला। तो यहाँ पे जो है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम पे जब आप इसको वेयर करते हैं तब बहुत ही हल्का सा मामूली सा आपको साउंड बाहर जो है वो लीकेज दिखाई देगा, हल्का सा एकदम, बट आप जब इसको निकालते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे 1.5-2 मीटर दूर खड़ा बंदा भी जो है वो आवाज़ सुन सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने वाली बात है। अदरवाइज मैं आपको बताऊँ तो साउंड डिपार्टमेंट के अंदर में जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो यहाँ पे 10 में से 8.5 स्टार दूंगा इसको ऑडियो डिपार्टमेंट के अंदर में। तो फाइनल थॉट पे आते हैं कि भाई ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों एक दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो ये कि थोड़ा सा आपको हल्का सा अनकंफर्टेबल, आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कंफर्ट में, आप 3-4 घंटे यूज नहीं करते, आप 1.5-2 घंटे तक यूज करते हैं तो उसको छोड़ के, और साथ में वाटर सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलती इसको छोड़ के, बाकी ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो डील ब्रेकर है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 3,000 रुपये में क्या चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी, बहुत ही अच्छे बेस के साथ मिल रहा है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। साथ में जो है आपका मतलब ब्रांड साउंड कोर की जो है वो ब्रांड वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है, साथ में इतनी अच्छी बैटरी कैपेसिटी और बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है अच्छा ही है। तो 3,000 रुपये में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हेडफोन है, आप आँख बंद करके ले लेंगे आपको पछतावा जो है वो नहीं होगा। तो मेरा यही था ये रिव्यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोबारा मिलूंगा आपसे इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।